नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग का यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पेपर पर, जो कि ये एमसीक्यू बेस्ड किताब है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वही आपका पार्ट नंबर टू, दूसरा वीडियो बना पाएंगे तो 107 से स्टार्ट हुआ। तो इससे पहले हमने 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया और आपका चैप्टर में 15 नॉन मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है दूसरा पार्ट का, इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास द एडिशन ऑफ MnO2 गिव्स 107 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वायलेट कलर। 108 है जर्मेनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जर्मेनियम इज एन एग्जाम्पल, तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड इन फिनिश्ड सेमीकंडक्टर। 109 है द इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लेडीज, तो 109 का ऑप्शन नंबर डी गैलेना। नेक्स्ट आपका 110 है रेड लेडीज, 110 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी Pb3O4। 111 लिथार इज केमिकली, तो लिथार इज केमिकली ऑप्शन नंबर ए PbO। 112 में क्वेश्चन है ए डार्क पर्पल कंपाउंड यूज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, 112 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम पर मैग्नेट। 113 एन इलेक्ट्रीशियन सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, 113 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एस एन एंड पी वी, तो टीन एन लीड। 114 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल, 114 करेक्ट आंसर ऑप्शन में CO। 115 है परसेंटेज ऑफ लीड इन लीड पेंसिल इज, 115 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 0। 116 एलिमेंट शोइंग मैक्सिमम इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो 116 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी Pb लीड है। 117 है इन ग्राफाइट इज कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम, तो इन ग्राफाइट इज कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम, 117 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे। 118 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, तो 118 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी SnO2। 119 नंबर क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ टीयर गैसेज, 119 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी Cl3NO3। 120 है बायोगैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर मेड अप ऑफ, तो 120 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम, द बायोगैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर मेड अप ऑफ, प्रोड्यूसर गैस कंटेन CO बट नॉट CO2, बायोगैस कंटेन CO2 बट प्रोड्यूसर गैस डज नॉट, एंड बोथ बायोगैस एंड प्रोड्यूसर गैस हैव N2। 121 है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ SI, तो 121 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए Ne3S पावर 2 एंड 3P पावर 2। 122 है मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो आपका 122 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वुड चारकोल। 123 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइहाइड्रोजन S2 इज नॉट रेड, तो 123 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइहाइड्रोजन S2 इज नॉट रेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए मिक्सचर ऑफ NO2 एंड H2 इज नोन एज सिन गैस, ठीक है। 124 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ट्रांजिस्टर, तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जी, ठीक है। 125 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज कलर, तो 125 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोराइन। 126 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस चेंजेस लाइव वाटर इन मिल्की कलर, तो 126 का डी कार्बन डाइऑक्साइड। 127 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस, तो 127 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। 128 है द कंपाउंड यूजेस रेफ्रिजरेंट इज, तो 128 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी CCl2F2। 129 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो 129 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। 130 है लिस्ट वन को लिस्ट दो से मिला इज कंपाउंड मॉलिक्यूल और शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, तो आपका 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2143, ठीक है। तो CH3F का हो जाएगा आपका तेतरा हेड्रल, और HCHO, तो HCHO का आपका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर। HCN का आपका हो जाएगा, HCN का आपका हो जाएगा क्या लीनियर शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और NH3 का हो जाएगा NH3 का और का ट्राइगोनल पायरामिडियल पायरल शेप है, ठीक है। 131 है क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन वैरायटी ऑफ, 131 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिलिका। 132 है अल्ट्रा सिलिकॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो 132 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जोन रिफाइनिंग। 133 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लासेस इज यूज्ड इन मेकिंग विंड स्क्रीन ऑफ ऑटोमोबाइल, तो 133 का ऑप्शन नंबर डी सेफ्टी। 134 है स्टेनलेस फ्लोराइड इज फाउंड बाय, 134 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी SNO+HF। 135 है सीमेंट फैक्ट्री वर्कर्स आर प्रोन टू, 135 का ऑप्शन नंबर डी
सिस्टोल सिलिकोसिस है। द सीमेंट फैक्ट्री वर्कर्स आर प्रोन टू ऑप्शन बी सिस्टोल सिलिकोसिस सिलिकोसिस। 136 है सुगर ऑफ लीडिंग, तो 136 का राइट आंसर ऑप्शन सी PbCH3CO2। ठीक है, 137 द एलिमेंट ऑफ ग्रुप बी आर जनरली नोन एज़, 137 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रीकोजेंस। 138 परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, 138 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। 139 है व्हेन हीट रेज़ आर रिफ्लेक्टेड, व्हेन हीट रेज़ आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अर्थ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड दैट वाज ऑक्साइड डू नॉट अलाउ देम टू स्पेस बैक टू द स्पेस कॉजिंग आवर प्लैनेट टू हीट अप, दिस गैसेस आर नोन एज़। 139 का राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस। 140 है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द मोस्ट मेटालिक, तो विच ऑफ द एलिमेंट इज मोस्ट मेटालिक। 140 का राइट आंसर ऑप्शन डी Bi। 141 है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस सब्लिमेशन, तो 141 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका NH4Cl। 142 है विच गैस इमिटेड बाय पावर स्टेशन कॉज एसिड रेन, तो 142 का ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। 143 है द फ्यूम्स ऑफ NO2 आर डैश इन कलर, द फ्यूम्स ऑफ NO2 आर डैश इन कलर, तो 143 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्राउन, ब्राउन इन कलर। 144 है एनिमल्स डाई इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर बिकॉज, 144 का ऑप्शन सी दे वांट ऑक्सीजन। 145 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट रिलीज बाय स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, तो 145 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 आर राइट, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ अन्य कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका चारों सही है। 146 है विच इज नॉट ए फर्टिलाइजर, तो आपका इसमें से फर्टिलाइजर कौन है ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट इज नॉट ए फर्टिलाइजर। 147 ब्लास्टिंग ऑफ TNT इज मेड अप बाय मिसिंग, तो 147 का ऑप्शन बी NH4NO3। 148 है चिप्स बैग्स कंटेन विच गैस, 148 का सी नाइट्रोजन। 149 है द थ्री एलिमेंट मोस्ट यूज इन केमिकल फर्टिलाइजर, 149 का ऑप्शन बी नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। 150 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, 150 का ऑप्शन बी NH3। 151 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस एंड, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनहाइड्रस ऑफ नाइट्रस एंड, तो 151 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी N2O3। 152 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस, तो 152 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी N2O। 153 है द केमिकल यूज फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेशन इज, तो 153 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी LA.NH3। नेक्स्ट आपका 154 द कैटलिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ NO बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, तो 154 का ऑप्शन नंबर है PTA। 155 एटोमिसिटी, तो एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज, तो 155 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। 156 है MO यूज एज कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो 156 का राइट आंसर है ऑप्शन बी NH3। 157 है एन इंपॉर्टेंट मेटर फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, तो 157 का ऑप्शन नंबर है हैबर्स प्रोसेस। 158 द मिनरल एलिमेंट विच इज एसेंशियल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, तो 158 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी MO। 159 है एक्वा रेजिमा इज ए मिक्सचर ऑफ, तो 159 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए CHCl प्लस HNO3। 160 है what can be the impact of excessive or inappropriate use of nitrogenous fertilizer in agriculture, तो 160 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तो आपका proliferation of nitrogen fixing microorganism in solid can occur, increase in the acidity of soil can take place and leaching of nitrate of the native ground water can occur, ये आपका तीनों सही है। 161 है which one of the following is most reactive, तो 161 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए white phosphorus। 162 है फास्फोरस इज कैप्ट इन, तो 162 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है कोल्ड वाटर, द फास्फोरस इज कैप्ट ऑप्शन नंबर है कोल्ड वाटर। 163 है विच वन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 163 का ऑप्शन बी ब्लैक फास्फोरस। 164 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एनेस्थेटिक्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एनेस्थेटिक्स, तो 164 का राइट आंसर ऑप्शन बी N2O। 165 है द फॉर्मूला ऑफ व्हाइट फास्फोरस इज, द फॉर्मूला ऑफ व्हाइट फास्फोरस 165 का राइट आंसर ऑप्शन में P4। 166 है द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, तो 166 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। 167 है H3PO3, तो 167 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए डाई बेसिक। ठीक है, 168 है सुपर फास्फोरेट ऑफ लाइम कंटेंट,
तो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम कंटेंट, तो 168 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CaH2PO42 इनटू H2O प्लस C2CaSO4 इनटू 2H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169 है, मिक्सचर यूज फॉर द टिप्स ऑफ मैच स्टिक, तो मिक्सचर यूज फॉर द टिप्स ऑफ मैच स्टिक, तो 169 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, K2Cr2O7 प्लस H प्लस वाइट P। 170 है, रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव देन येलो फास्फोरस बिकॉज, तो 170 का ऑप्शन बी, इट इज हाईली पॉलीमराइज्ड। 171 है, द फास्फोरस यूज इन द रेड मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैसेजेस, तो 171 का ऑप्शन नंबर ए, रेड फास्फोरस। 172 है, इन द रिएक्शन ऑफ N2 प्लस 3H2 2NH3 द कैटलिस्ट यूजर, तो 172 का बी, FeNMO। 173 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो 173 का ऑप्शन नंबर सी, बिस्मुथ। 174 है, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड इज कॉल्ड, तो 174 का ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। 175 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, तो 175 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीटी। 176 है, द स्टार्टिंग मटेरियल इन वर्कलैंड एंड आईडी प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो 176 का ऑप्शन बी, N2NCO2। 177 है, द मिक्सचर ऑफ व्हाइट एंड रेड फास्फोरस कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, तो 177 का राइट आंसर ऑप्शन सी, NaOH। 178 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म when white phosphorus is heated at 803 Kelvin in the absence of air, so 178 ka option C, red phosphorus. 179 P4O10 is an anhydride of, so 179 correct answer option C, HPO3. 180 which of the following is not true about urea, so 180 correct answer option B, it cannot be used for all types of crops and soils. 181 which is a constituent of Thomas slag, तो 181 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Ca3PO42। 182 है, विच इज द बेस्ट फर्टिलाइजर, तो 182 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ट्रिपल फास्फेट। 183 ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो 183 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पिस्टले। 184 है, विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन ऑन अर्थ क्रस्ट, तो 184 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हो जाएगा ओ। 185 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो 185 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओ। 186 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सोर्स, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सोर्स, 186 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैरामैग्नेटिज्म, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सोर्स, पैरामैग्नेटिज्म। 187 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैल्कोजेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैल्कोजेन, तो 187 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Na। 188 है, इन विच इंडस्ट्री पोटेशियम नाइट्रेट यूज्ड कमर्शियली, तो 188 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग। 189 है, ओजोन मॉलिक्यूल, तो 189 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायमैग्नेटिक। 190 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो 190 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, H2S। 191 है, ओजोन इज इजीली डिटेक्टेड बाय यूज बाय, तो 191 का राइट आंसर ऑप्शन बी, HG। 192 है, ओजोन टर्न्स स्टार्क आयोडाइन पेपर, तो 192 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लू। 193 है, नेम द फ्लेम हैविंग मैक्सिमम टेम्परेचर, तो 193 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सी एसिटालाइन। 194 है, द कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन सोर्स वन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 194 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Na2O2। नेक्स्ट आपका है 195, द कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन सोर्स प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 195 का ऑप्शन नंबर डी, F2O। 196 है, ओजोन में नॉट एक्टिव, तो 196 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। 197 है, सल्फर मॉलिक्यूल, तो सल्फर मॉलिक्यूल ऑप्शन नंबर डी, S8। नेक्स्ट आपका 198, ए गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, तो 198 का है ऑप्शन नंबर सी, जो है SO2। 199 है, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू, तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू, तो 199 का राइट आंसर ऑप्शन बी, रिडक्शन। कुछ हमारे 200 है, SO2 इज नॉट ए, तो 200 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेसिक ऑक्साइड। 201 है, सोडियम थियोसल्फेट, तो सोडियम थियोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज ऑफ इट, तो 201 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग बिहेवियर। 202 है, विच इज द कैटलिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस, तो 202 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, B2O5। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका जो है कल इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही।
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल इसका पार्ट नंबर 3 होगा, तीसरा वीडियो होगा आपका चैप्टर नंबर 15 का। ठीक है।